प्यारे बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं आपके सामने क्लॉक यानी कि घड़ी की। क्लॉक यानी कि घड़ी, पहले तो समझेंगे मेरे भाई। क्लॉक है ना, टू टाइप होता है इसका। दो प्रकार की घड़ी होती है, आप जानते भी होंगे। एक तो आपका होता है एनालिटिकल और एक होता है डिजिटल। देखा होगा, एक तो आपका सुइयों वाला होता है और एक वो समझ गए कि नहीं समझ गए, लुप्त तो डिजिटल बोलते हैं इसको, और एक एनालिटिकल होता है। मेरे भाई, हम यहां पर बात करेंगे, अधिकतर जो यूज होता है वो यूज होता है एनालिटिकल घड़ी का। क्यों? क्योंकि हमें क्या होता है, यहां पर एंगल निकालना होता है, और एंगल भैया डिजिटल में तो नहीं निकलेगा। कहां से निकलेगा? एनालिटिकल से निकलेगा। देखेंगे भाई, थोड़ा समझेंगे घड़ी के बारे में, फिर चीजें धीमे धीमे समझ में आए। जैसे कि ये आपके सामने एक घड़ी में बना रहा हूं, ठीक है। सपोज दैट ये एक सर्कल है, वो आप समझ रहे हैं कंप्लीट सर्कल है ये। और आपको एक चीज बहुत अच्छे से पता होगी मेरे भाई, ये जो सर्कल होता है वो कंप्लीट कितना 360 डिग्री यानी कि 360 डिग्री का होता है ना। ये चीज तो आप लोग पहले से जानते हैं, ये सर्कल आपका कंप्लीट 360 डिग्री का होता है। अच्छा, एक चीज आप और समझते होंगे, ये 360 डिग्री जो होता है इसको हम 12 भाग में डिवाइड करते हैं, 12 पार्ट बोलते हैं इसके। कैसे देखें, देखेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 and 12। इस तरीके के आपके ये 12 भाग होते हैं। यानी कि आप सीधा सीधा कह सकते हैं कि एक कंप्लीट सर्कल जो कि 360 डिग्री का होता है, इसको हम क्या करते हैं, 12 भाग में डिवाइड करते हैं। तो मैं यहां क्या कर दूंगा, 12 से इसमें डिवाइड दे दूंगा, है ना। तो भैया एक भाग की जो वैल्यू आएगी वो 30 डिग्री है। एक भाग जो है वो 30 डिग्री के बराबर होता है, 30 डिग्री के बराबर, है ना। और हम लोग एक चीज और अच्छे से जानते हैं मेरे भाई, कि ये एक भाग जो होता है ये भी 5 भाग में डिवाइड होता है। आप लोग बहुत अच्छे से जानते भी होंगे इस चीज को, 1, 2, 3, 4 और ये 5 भाग, है ना, जिसको हम घड़ी की लैंग्वेज में बोलते हैं 5 मिनट। क्या बोलते हैं? 5 मिनट, है ना। तो आप ऐसे भी कह सकते हो इस चीज को कि 5 मिनट बराबर 30 डिग्री, 5 मिनट बराबर 30 डिग्री की होती है। तो फिर मेरे भाई एक मिनट 5 से ये कटेगा तो 6 डिग्री के बराबर, यानी कि 1 मिनट की वैल्यू यहां से लेके यहां तक, ये 1 मिनट की जो वैल्यू होती है मेरे भाई, वो 6 डिग्री यानी कि 6 डिग्री के बराबर होती है। 1 मिनट की वैल्यू 6 डिग्री, तो फिर कंप्लीट 60 मिनट यानी 60 मिनट की वैल्यू 360 डिग्री। सीधी सी बात है, हाँ, ओके। अब थोड़ा सा ध्यान से यहां चीजों को समझेंगे मेरे भाई। आपकी घड़ी में 3 प्रकार की सुइयां होती हैं। एक सुई होती है आपकी हावर हैंड, एक होती है मिनट हैंड, और होती है आपकी सेकेंड हैंड, यानी कि एक घंटे वाली सुई होती है, एक मिनट वाली सुई होती है बेटा, और एक सेकंड वाली सुई होती है। यहां पर जो यूज होता है वो तीनों सुइयों का होता है, तीनों ही सुइयों का। लेकिन अधिकतर हम जो बात करेंगे यहां चैप्टर में, वो मिनट और हावर हैंड की बात करते हैं। सेकंड की भी कुछ बात होगी, थोड़ा ध्यान से समझेंगे धीरे धीरे। देखो भाई, एक बात जरा गौर से समझ, क्या, जैसे सपोज दैट ये घड़ी में सपोज दैट इस समय 3 बज रहे हैं। कितने बज रहे हैं बेटा? 3 बज रहे हैं, ओके। 3 कुछ इसी तरीके से बनेंगे, ओके। हावर हैंड करेक्ट 3 पर होगा, और मिनट हैंड करेक्ट 12 पर होगा, कितना होगा, ओके। और सेकंड की अगर मैं बात करूं तो सेकंड वाली सुई भी बेटा करेक्ट 12 पर होगी, अभी जब करेक्ट 3 बज रहे हैं, ओके। तो बेटा सेकंड वाली सुई जब यहां से चलती हुई, यहां से चलती हुई, यहां से चलती हुई, और ये कंप्लीट जब यहां तक आ जाएगी, तो मेरे भाई कुल मिला के कितना, 60 सेकंड चलेगी। कितना चलेगी? 60 सेकंड चलेगी।
और इस 60 सेकंड में, 60 सेकंड चलेगी, 60 सेकंड, और इस 60 सेकंड में ये मिनट वाली सुई बेटा कहां पर आ जाएगी, यहां पर आ जाएगी। 60 सेकंड में मिनट वाली सुई एक मिनट चलेगी, कितनी चलेगी, एक मिनट चलेगी और 6 डिग्री का कोण बनाएगी। बात सही है, आप कह सकते हो कि एक मिनट वाली सुई 60 सेकंड में 6 डिग्री का कोण बनाती, या फिर ऐसे कह सकते हो कि एक मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाती, बात दोनों ही है ना, एक ही बात है, दोनों बात एक ही है ना। ओके बेटे एक चीज और समझना, सेकंड वाली सुई यहां से घूमते हुए कहां आ गई, वाले पर आ गई, मिनट वाली सुई यहां से घूमते हुए एक मिनट आगे बढ़ गई, यानी कि 6 डिग्री का एंगल बनाई। बेटे हावर हैंड में भी तो कुछ एक्टिविटी हुई होगी, है ना, ऐसा भी तो हुआ होगा, थोड़ा गौर करेंगे। इन 60 ही सेकंड में, 60 सेकंड में मिनट वाली सुई 6 डिग्री चलेगी, तो मेरे भाई घंटे वाली सुई भी तो थोड़ा बहुत चलेगी, घंटे वाली सुई भी तो थोड़ा बहुत चलेगी। 60 सेकंड का मतलब क्या होता है बेटा, एक मिनट, क्या होता है एक मिनट, थोड़ा गौर से समझेंगे, थोड़ा गौर समझेंगे, 60 सेकंड का मतलब एक मिनट होता है, सीधी सी बात बेटा, थोड़ा ध्यान से समझना। सपोज दैट अभी करेक्ट 3 बज रहे हैं, तो घंटे वाली सुई करेक्ट 3 पर है और मिनट वाली सुई करेक्ट 12 पर। अभी सपोज दैट ये मिनट वाली सुई यहां से चलती हुई, यहां से चलती हुई अगर वापस यहीं पर आ जाती है, तो कुल मिला के 60 मिनट चलेगी कि नहीं चलेगी, 60 मिनट चलेगी। और इस 60 मिनट में ये घंटे वाली सुई यहां से यहां पर आ जाएगी, 4 पर, यहां से यहां तक आ जाएगी, तो कुल मिला के आपको पता है एक भाग का मतलब क्या होता है, 30 डिग्री के बराबर होता है, 30 डिग्री। तो फिर मेरे भाई घंटे वाली सुई है ना, घंटे वाली सुई है ना, घंटे वाली सुई, तो घंटे वाली सुई बेटा 60 मिनट में, 60 मिनट में 30 डिग्री चलेगी, है ना। तो फिर बेटा एक मिनट में 30 बटे 60, यानी कह सकते एक बटा 2 डिग्री, एक मिनट का मतलब ही 60 सेकंड होता, एक मिनट का मतलब ही 60 सेकंड होता। तो फिर 60 सेकंड या फिर एक मिनट में घंटे वाली सुई की क्या एक्टिविटी होगी, एक बट्टा 2 डिग्री चलेगी, कितनी चलेगी, एक बट्टा 2 का मतलब बेटा होता है आधा, क्या होता है आधा, है ना। ओके तो हमें पता चला कि 60 सेकंड में मिनट वाली सुई 6 डिग्री चलेगी, तो फिर 60 सेकंड में घंटे वाली सुई 1/2 डिग्री चलेगी। ये चीज क्लियर हुई, अगर ये चीज आपको अच्छे से समझ में आ गई तो समझ लेना आपको घड़ी अच्छे से समझ में आ जाएगा, क्योंकि घड़ी का पूरा कॉन्सेप्ट ही बेटा यहीं से बनता है। कुछ बच्चे क्या है कि ट्रिक की मांग करते हैं, हम ट्रिक भी बताएंगे, लेकिन बेटा उससे बेटर है कि आप पहले मेथड समझ लो, क्योंकि अगर एक बार मेथड समझ में आ गया ना, तो ट्रिक से जल्दी क्वेश्चन सॉल्व होता है, ट्रिक से भी जल्दी सॉल्व होगा, लेकिन मेथड समझो जरूर, अगर मेथड समझ में आ गया तो ट्रिक भी बहुत जल्दी समझ में आ जाएगी, है ना, क्योंकि चीजों को हम बाय कॉन्सेप्ट बाय मेथड लेके चलेंगे। ओके तो यहां तक आपको ये सारी चीजें आई होप समझ में आ गई होंगी, ठीक है ना भैया। ओके आगे चलते हैं, तो ये चीज आप नोट करते रहेंगे साथ ही साथ। आप सुनिएगा यहां से एंगल कैसे निकलेंगे, क्योंकि शुरुआत ही मेरे भाई एंगल से होगी, है ना, शुरुआत ही एंगल से होगी। जैसे क्वेश्चन आपके सामने बनता है मेरे भाई कि एक दीवार घड़ी में, जरूर नहीं दीवार घड़ी को ना डायरेक्ट बोल देगा, एक घड़ी में 3 बज रहे हैं, कितने बज रहे हैं बेटा, 3 बज रहे हैं, एक दीवार घड़ी में 3 बज रहे हैं, तो बताइए घंटे एवं मिनट वाली सुई के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा। जैसे ये 3 बज रहे हैं, तो ये वाला कोण पूछा जा रहा है, ये वाला कोण, इन दोनों के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा, ये कोण है, यहां से ये आपको एंगल निकालना है। थोड़ा ध्यान से समझिए, बहुत ही इजी चीज है, कोई कठिनाई वाली बात नहीं है, आप बिल्कुल आराम से देख पा रहे होंगे कि यहां से लेके और यहां तक सीधा सीधा 15 मिनट का डिफरेंस है। पहले घड़ी से समझे, उसके बाद हम डायरेक्ट आपको समझाएंगे, पहले घड़ी से समझो, यहां से लेकर यहां तक डायरेक्ट सीधा सीधा 15 मिनट का डिफरेंस है, क्योंकि भैया 3 यानी 15 मिनट का डिफरेंस है सीधा सीधा। ओके और हमें बहुत अच्छे से पता है
कि एक मिनट की वैल्यू 6 डिग्री के बराबर होती है, एक मिनट का डिफरेंस 6 डिग्री का स्पेस करता है, तो फिर बेटा 15 मिनट का स्पेस 6 डिग्री का गुणा कर देंगे तो 90 डिग्री का अंतर करेगा। कितने का करेगा? 90 डिग्री का अंतर करेगा। ठीक है, ओके। अभी सपोज दैट यही क्वेश्चन कुछ ऐसा होता तो कि 3:05 थोड़ा ध्यान से समझेंगे बेटा। जब 3:05 हो रहे होंगे तो ये मिनट वाली सुई कुछ इस तरीके से होगी। अब ये वाला निकलने का हमारा यहां, तो आप समझ पा रहे होंगे कि इन दोनों के बीच में कुल मिला के 10 मिनट का डिफरेंस है। कितने का है? 10 मिनट का डिफरेंस है। कितने का? 10 मिनट का। और एक मिनट में 6 डिग्री होते हैं तो 6 डिग्री इंटू कर देंगे तो कितना आ जाएगा भैया? 60। अब कितना आया? 60। तो इसका मतलब यह हुआ कि 3:05 पर दोनों में 60 डिग्री का कोण बनेगा। ऐसा ही सोच रहे हो ना? अगर ऐसा सोच रहे हो तो भैया 60 डिग्री आंसर गलत है। वो कैसे? समझाता हूं, परेशानी वाली कोई बात नहीं, थोड़ा सा गौर करें बेटे। एक चीज समझो, जब 3:00 उस कंडीशन में ये हावर हैंड बिल्कुल एग्जैक्ट 3 पर था और मिनट हैंड एग्जैक्ट 12 पर था, बिल्कुल क्लियर, जिसको हम लोग अपनी लैंग्वेज बोलते हैं करेक्ट। करेक्ट ये 3 पर थी और ये वाली सुई करेक्ट 12 पर थी। अब जब 3:05 हो रहे हैं, 3:05 हो रहे हैं, तो उस कंडीशन में ये मिनट वाली सुई करेक्ट 1 पर है, लेकिन बेटा घंटे वाली सुई करेक्ट 3 पर होगी क्या? नहीं होगी। घंटे वाली सुई करेक्ट 3 पर नहीं होगी, है ना? क्योंकि मिनट वाली सुई जब यहां से यहां आई तो मिनट घंटे वाली सुई भी थोड़ा सा आगे बड़ी होगी। अब कितना बड़ी होगी? थोड़ा ध्यान से समझो बेटे, एक मिनट में घंटे वाली सुई 60 सेकंड का मतलब एक मिनट ही होता है। एक मिनट में घंटे वाली सुई 1/2 डिग्री बढ़ती है, यानी आधा बढ़ती है। तो बेटे 2 मिनट में 1 डिग्री बढ़ेगी, ठीक आधा, तो फिर ये 5 मिनट में घंटे वाली सुई 2.5 डिग्री आगे बढ़ गई होगी कि नहीं बढ़ गई होगी? तो यहां से लेके यहां तक 60 डिग्री का तो एंगल बन ही रहा है, लेकिन ये 2.5 डिग्री आगे और बढ़ जाएगी, इसलिए 2.5 डिग्री हम लोग क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे यहां पर। 2 सही 1/2 डिग्री, तो आंसर कितना आएगा? 62 सही 1/2 डिग्री। यहां तक तो आपको चीज समझ में आ गई होगी, लेकिन इस तरीके से घड़ी बनाकर हम भैया क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करेंगे। क्वेश्चन को हम सॉल्व कैसे करेंगे ये चीज थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे। हमें घड़ी से यूज नहीं करना है, क्वेश्चन को सॉल्व करते समय हम घड़ी इस तरीके से नहीं बनाएंगे, आंसर को डायरेक्ट हम निकालेंगे 5 सेकंड से 10 सेकंड के बीच में। वो कैसे? एक ट्रिक के माध्यम से सुनेंगे। जैसे 3:05 देखेंगे बेटा, क्वेश्चन आपके सामने एग्जाम में आएगा कि एक घड़ी में 3:05 हो रहे हैं तो बताइए इन दोनों के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा। अब हमें घड़ी से कोई मतलब नहीं, घड़ी से तो हम बहुत अच्छे से समझ चुके, अब डायरेक्ट सॉल्व करने वाले बेटा समझना। 3:05 हो रही है तो आपको पता है ये हावर हैंड है और ये मिनट हैंड है, है ना? तो 3 हावर हैंड और 5 ये मिनट हैंड। इस क्वेश्चन को डायरेक्ट करने के लिए हमें एक तरीका अपनाना होगा बेटा, कि इन दोनों को हम मिनट में चेंज कर लेंगे। मिनट में बेटे जब घंटे वाली सुई 3 पर है तो अभी कितने मिनट शो करेगी यहां पर? 3 पर, 3 का मतलब होता है 15, हमें पता है ना। 1 का मतलब 5 होता है, 2 का मतलब 10 होता है, 3 का मतलब 15, 4 का मतलब 20, 5 का मतलब 25, 9 का मतलब 45, 11 का मतलब 55, हम बहुत अच्छे से ये चीज जानते हैं, जानते हैं ना। तो बेटा 3 हम मिनट में इसको कन्वर्ट करेंगे तो 3 का मतलब क्या हो जाएगा बेटा? 15 मिनट। क्या हो जाएगा? 15 मिनट हो जाएगा, ओके। और बेटे ये 5 मिनट ये तो ऑलरेडी मिनट में कन्वर्ट है ना, इसमें क्या कन्वर्ट करना? क्योंकि 1 पर सुई है
हम पहले से जानते हैं ये 5 मिनट है ऑलरेडी, तो हम डायरेक्ट इसको 5 का 5 ही लिख देंगे। और बेटा इन दोनों में डिफरेंस चीज वही है, इन दोनों में डिफरेंस ये 15 मिनट है और ये 5 मिनट है, तो बेटा इन दोनों में कितना डिफरेंस हुआ? बेटे हमें पता है इन दोनों में 10 मिनट का डिफरेंस हुआ। कितने का? 10 मिनट का डिफरेंस हुआ। चीजों को थोड़ा ध्यान से समझते जाएंगे। और हमें एक चीज और पता है कि 1 मिनट में 6 डिग्री होता है, तो मेरे भाई क्या करेंगे यहां पर 6 डिग्री का इंटूज कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 60 डिग्री। कितना आ जाएगा? 60 डिग्री। इसके बाद एक काम और करना है, क्या? मिनट का ठीक आधा इसमें क्या कर देंगे हम? जोड़ देंगे। मिनट का ठीक आधा इसमें जोड़ देंगे। क्यों जोड़ देंगे? ये चीज आप ऑलरेडी पहले से कॉन्सेप्ट के थ्रू समझ चुके हैं कि घंटे वाली सुई मिनट का ठीक आधा एंगल बनाती है, तो कितना हो जाएगा भैया? 62 सही 1/2 डिग्री। ऐसे ही ये क्वेश्चन है, ये वाला देखेंगे 3 बजे। आपको पता है ये हावर हैंड है, ये मिनट हैंड है, ओके। तो क्या करेंगे? 3 का मतलब तो बेटा 15 हो ही गया, यहां तो 0 ही है, सीधा सीधा 0, तो 15 और 0 15 मिनट का डिफरेंस है, गुणा 6 कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। अब 0 का आधा तो कुछ होता ही नहीं, तो सीधा सीधा 90 डिग्री। इस तरीके से आप डायरेक्ट क्वेश्चनों को सोल्व करने लगेंगे। थोड़ा और समझेंगे, और क्वेश्चन कराता हूं। जैसे क्वेश्चन कर रहा बेटा 5:10 करने की कोशिश करेंगे, 5:10 है ना, तो हम ऑलरेडी ये बात तो पहले से जानते हैं बेटा ये हावर हैंड है और ये मिनट है, यानी कि ये घंटे वाली सुई है और ये मिनट वाली सुई है। थोड़ा सा कोशिश खुद करेंगे। किया? चलो देखते बेटे, 5 हम लोग जानते हैं, 5 को मिनट में कन्वर्ट करेंगे तो 25 हो जाएगा, और 10 ऑलरेडी मिनट में कन्वर्ट है, बेटे दोनों का डिफरेंस कितना होगा? 15 मिनट। कितना होगा? 15 मिनट इंटू क्या कर देंगे मेरे भाई? 6 कर देंगे, है ना, तो कितना हो जाएगा? 90। कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। और इसके बाद एक काम और करना, मिनट का ठीक आधा क्या कर देंगे भैया? यहां जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा? 95 डिग्री। कितना आ जाएगा? 95 डिग्री। क्लियर हो गया ना? अरे हो गया ना क्लियर, वेरी गुड। आगे चलते हैं, जैसे क्वेश्चन कह रहा बेटा 8:17 8:17 करेंगे फटाफट, 8:17 की बात हो रही है। कैसे करेंगे? 8 का मतलब क्या होता है? 40। क्या होता है? 40 होता है। इधर ये 70, बेटे दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा? बोलेंगे 23। कितना हो जाएगा? 23। इंटू क्या कर देंगे बेटा? 6 कर देंगे तो कितना हो जाएगा? जरा ध्यान से देखेंगे, 138 हो जाएगा, ओके। इसके बाद क्या कर देना बेटा? 17 का ठीक आधा बेटे कितना होगा? 8.5। कितना होगा? 8.5। इसमें जोड़ देंगे, ओके। 8.5 जब यहां जोड़ेंगे बेटा तो कितना आ जाएगा? 146, यानी कि 8 जोड़ेंगे तो 146 आधा हुआ, तो कितना? 1/2। आधे को हमें पता है 1/2, इस तरीके से लिख देंगे। कोई टेंशन वाली बात है क्या? कोई टेंशन वाली बात नहीं है, है ना। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन है 3:30। एक क्वेश्चन और है 9:30 करेंगे।
देखेंगे, करते चले साथ ही साथ और देखते भी रहेंगे। बेटे तीन तीन क्या होगा भैया यहाँ 15, तीन का मतलब क्या हो जाएगा 15, और तीस का मतलब क्या हो जाएगा 30, क्या हो जाएगा 30, है ना। ओके, यहां पर बेटे डिफरेंस कितने का होगा, 15 मिनट का डिफरेंस होगा, इंटू 6 कर देंगे तो कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा, है ना। ओके, आगे हम समझेंगे थोड़ा ध्यान से, क्या करेंगे हम, यहां मिनट का ठीक आधा, मिनट का ठीक आधा कितना होगा भैया 15 यहां जोड़ेंगे नहीं, यहां पर 15 घटेगा तो कितना आ जाएगा 75। अब बहुत बड़ी कंफ्यूजन भैया, अभी तक तो आपने ऐड किया हर जगह, लेकिन यहां पर ऐसा क्या हो गया कि आपने घटा दिया, ऐसा प्रॉब्लम आ रहा है ना। नो टेंशन, अभी समझा दूंगा इस चीज को क्यों मैंने ऐसा किया, पहले इसको और देख लेता हूं मैं एक बार। 9 का मतलब कितना हो जाएगा भैया 45, इधर 30, दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा 15, कितना हो जाएगा 15, इंटू 6 कर देंगे तब भी 90, अब यहां मिनट का आधा 15 यहां पर जुड़ेगा तो आंसर कितना आएगा 105 डिग्री। वो कैसे हो रहा है, थोड़ा गौर करेंगे चीज पर कि यहां पर माइनस और यहां पर प्लस क्यों हो रहा है, पहले कॉन्सेप्ट से समझेंगे उसके बाद हम भाई ट्रिक समझा देंगे ऐसा मैंने क्यों किया। देखिए बेटे, अभी तक बोलते हैं 9:30 हो रहा है, ये वाला एंगल निकालना हमें, 9:00 कितना हो रहा है 30 मिनट हो रहा है। बेटे एक चीज तो आपको समझ में आ रहा होगा, ये करेक्ट अभी 9 पर है, ये करेक्ट 6 पर है, तो 90 डिग्री बनेगा, लेकिन आपको पता है जब मिनट हैंड यहां से चलता हुआ यहां पर आ गया 9:30 तो ये 9 बजे क्या होगा भैया, 9:30 क्या होगा, ये घंटे वाली, तो ये 9 और 10 के बीच में आ जाएगी, यानी ये 90 से बड़ा एंगल बनेगा कि नहीं बनेगा, 90 से बड़ा एंगल बनेगा, है ना। ओके, अच्छा इसी कंडीशन में आप यहां समझना है शीट को, ये अब यहां पर ये एंगल निकालना, तो ये अभी करेक्ट, अगर ये 3 पर है ये करेक्ट 6 पर तो 90 लिखना, ऐसा कभी होता ही नहीं है, अगर ये 6 पर आ जाएगी तो जैसे कहते ये दोनों के बीच में आ जाएगी, ये यहां पर होगी, ये कंडीशन बनेगी, तो ये 90 से कम ही तो हो जाएगा, जब ये सुई यहां आ जाएगी कम ही तो हो जाएगा, तो हमने कम कर दिया, लेकिन बात वही है कि हम घड़ी थोड़ी नहीं चेक करेंगे बार बार कि कहां पर माइनस करना कहां प्लस करना, ऐसा नहीं करना, ये तो बस मैंने आपको समझा दिया, लेकिन हमें पता कैसे चला यहां माइनस करेंगे, तो सुनो थोड़ा ध्यान से समझना बेटा, ये आवर हैंड था, ये मिनट हैंड था, इसको मैंने कन्वर्ट मिनट में लिया, ये 25 और ये 10, बेटे इधर आवर की तरफ देखना, आवर की तरफ बड़ा आया मिनट की तरफ छोटा है, आवर की तरफ बड़ा आया मिनट की तरफ छोटा है, इधर भी देखो आवर की तरफ बड़ा आया मिनट की तरफ छोटा, इधर हावर की तरफ छोटा है मिनट की तरफ बड़ा, समझ में आ गई बात करने आ गई, पहला अंतर इधर बड़ा इधर छोटा, लेकिन यहां इधर छोटा इधर बड़ा, इसलिए हमने माइनस किया, ठीक है। दूसरी लैंग्वेज में बात को समझो, सीधी बात बेटे 25 और ये 10, अगर इन दोनों को हम घटा देंगे बेटा तो 15 आएंगे, काय के आएंगे बेटा प्लस के आएंगे, काय के आएंगे प्लस के, इसका इसने गुणा किया तब भी ये प्लस के आ गए, तो प्लस प्लस, ये भी देखो इन दोनों में से अगर इसका हम डिफरेंस देखेंगे क्योंकि ये प्लस का 40 है, 40 में 79 तो प्लस का 23 आएगा ना, प्लस का ही आएगा, यहां भी देखो 45 एंड 13 दोनों में डिफरेंस 15 जो आ रहा है वो काय का आएगा, प्लस का आएगा, काय का आएगा प्लस का आएगा, लेकिन इधर थोड़ा ध्यान से देखना कैसे, ये 15 है ये 30 है, ये 15 है और ये 30 है, थोड़ा ध्यान से समझना इस चीज को, बेटे 15 30 अगर हमें यहां क्योंकि ये प्लस का ये माइनस का तो हमें बहुत अच्छे से पता है कि माइनस के 15 आएंगे, है ना, और इनटू बेटा हम 6 कर देंगे तो कितना 90 जरूर आएगा, लेकिन काय का आएगा माइनस का आएगा, काय का आएगा माइनस का आएगा, है ना। ओके, इसके बाद क्या करेंगे हम, हमने बोला ना कि आप मिनट का ठीक आधा जोड़ देंगे, क्या कर देंगे मिनट का ठीक आधा जोड़ देंगे, तो यहां पर अगर हम जोड़ देंगे तो माइनस को बेटे पटाए माइनस के 75 डिग्री, अब डिग्री प्लस में और माइनस में वो तो सेम होता है ना, है ना, तो इतना लंबा प्रोसेस करने की जरूरत नहीं है, हमें बहुत अच्छे से पता है
जिस तरीके से हम यहाँ पर क्वेश्चन कर रहे थे 45 माइनस 30 क्या, तो 15 क्या, आपने 15 लिखा क्या, प्लस लिखा है, मैंने यहाँ पे इस तरीके से प्लस लिखा क्या, नहीं था। इसी तरीके से 15 में 30 आएगा तो माइनस के 15 आएंगे, लेकिन हम माइनस लिखेंगे नहीं, डायरेक्ट हम क्या कर देंगे बाद में माइनस यहाँ पर कर देंगे। समझ में आ गई, सीधा सीधा कॉन्सेप्ट। जब डिफरेंस प्लस का निकलेगा तो मिनट का आधा प्लस किया जाएगा, और जब डिफरेंस माइनस का निकलेगा तो प्लस का आधा सीधा माइनस किया जाएगा। सीधा सा बात है, समझ में आ गई बात। डिफरेंस प्लस का होगा तो प्लस करेंगे, और डिफरेंस माइनस का होगा तो माइनस करेंगे। बिल्कुल सीधा तरीका। मैं समझता हूं आपको बहुत अच्छे से ये बात समझ में आ गई होगी। ओके बेल, आगे चलते हैं। देखेंगे, सपोज दैट क्वेश्चन कह रहा है 12:05 है ना, वही चीज मिनट में कन्वर्ट करना। बेटे 12 को अगर मिनट में कन्वर्ट कर दोगे तो कितना आ जाएगा, 12 को अगर मिनट में कन्वर्ट कर दोगे तो कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा, है ना, ऐसी बात है ना। ओके, यहां पर कितना आ गया, ये 60 आ गया, ठीक। ओके, आगे देखेंगे क्या, ये 5 लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, 5 लिखा हुआ है, ये तो ऑलरेडी 5 है इस तरीके से, ठीक है। ओके, और आगे देखेंगे इन दोनों में डिफरेंस कितने का है, 55 का, इंटू 6 करेंगे, इंटू 6। ओके, कितना हो जाएगा, 56 30 56 30 330। ओके, इसके बाद क्या करेंगे भैया, सीधी सी बात है, इन दोनों का डिफरेंस प्लस में आया है तो फिर इसका आधा क्या कर देंगे हम, मिनट का आधा प्लस कर देंगे, तो फिर कितना, 2.5 को हम यहां प्लस कर देंगे, तो कितना आ जाएगा भैया, 332.5। कोई टेंशन वाली बात, कोई टेंशन वाली बात नहीं, लेकिन ये वाला आंसर आपके ऑप्शन में नहीं मिलेगा। क्यों, थोड़ा गौर से समझेंगे आप लोग, वो कैसे, जैसे बेटा सपोज दैट मैंने आपके सामने ये एंगल बनाया, ये एंगल, और मैंने आपसे पूछा कि बताइए यहां कितने डिग्री का एंगल है, तो आप सीधा सीधा आंसर देते हैं कि भैया यहां 90 डिग्री का एंगल है। कितने डिग्री का एंगल है, 90 डिग्री का एंगल। लेकिन मैं अगर यही आपसे ये बोल दूं, अगर मैं यहां सिंबल ना लगाऊं, डायरेक्ट इस तरीके से लिख देता हूं, तब भी आप मुझे 90 डिग्री बोलेंगे, है ना। और अगर मैं यही बोलूं कि नहीं है, 90 डिग्री का एंगल नहीं बन रहा है, दोनों भी 270 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो क्या आप गलत बताएंगे, नहीं बताएंगे। लेकिन कभी आपने 270 डिग्री बताया है क्या, नहीं, आपने ऑलवेज क्या बताया, 90 डिग्री। ऐसा क्यों होता है, इसलिए होता है कि भैया हम जब भी एंगल बताते हैं तो हमेशा छोटा एंगल बताते हैं, बड़ा एंगल नहीं बताते, है ना, हमेशा छोटा वाला बोला जाता है, बड़ा वाला नहीं बोला जाता। अब ऐसा नहीं कि बड़ा बन नहीं रहा है, बड़ा भी बन रहा है, ये 270 डिग्री। अब ये सपोज दैट हमें पता है ये बड़ा एंगल 270 डिग्री, तो छोटा एंगल निकालेंगे कैसे, थोड़ा ध्यान से समझेंगे बेटे। ये कंप्लीट जो सर्कल है ना, वो 360 डिग्री का होता है। कितने का होता है, 360 डिग्री का होता है। अगर ये कंप्लीट 360 डिग्री में से अगर हम ये वाला भाग निकालना चाह रहे हैं, ये वाला भाग, तो ये बचा हुआ भाग क्या करना पड़ेगा, हमें घटाना पड़ेगा। तो ये 270 अगर यहां से घटाने हैं तो 90 डिग्री ये छोटा वाला भाग निकल आएगा कि नहीं निकल आएगा, निकल आएगा, समझ गए। इसी तरीके से ये 332 डिग्री बड़ा वाला भाग है, कैसा है, बड़ा वाला भाग है। तो फिर क्या करेंगे भैया, हम यहां 360 में से इसको घटा देंगे, है ना, 360 में से फटाफट इसको घटाएंगे भैया, कितना आएगा बताएंगे जरा, है ना, जल्दी बताए, देखेंगे इतना ही आ रहा, सीधा सा बात है। तो ये कैसा हो गया, छोटा एंगल निकल आया, कैसा एंगल निकला, ये छोटा एंगल, बात क्लियर है कि नहीं, ये छोटा एंगल निकला। लेकिन अभी पहले 332 आ रहा था वो
बड़ा एंगल था लेकिन ये क्या था छोटा एंगल है ना। तो इसको हम लिखेंगे कैसे, ऐसे नहीं लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, सबका सही एक बट्टा दो, बात क्लियर है ना। ओके, लेकिन बात ये खड़ी हो रही है कि हमें पता कैसे चलेगा कि ये बड़ा एंगल है और ये छोटा एंगल है। समझो बेटा, जैसे सपोज दैट ये एक लाइन, यहां 180 डिग्री ऊपर बन रहा है और 180 डिग्री ही नीचे बन रहा है, क्योंकि टोटल 360 डिग्री सर्कल होता है, आधा सर्कल है 180 और आधा भी 180 डिग्री है ना। अब अभी यहां तो 180 तक तो इक्वल है, लेकिन सबको दैट यही अगर मैं लाइन को ऐसे कर देता हूं, ये लाइन हटा देता हूं, इस तरीके से कर देता हूं, इस कंडीशन में यहां सपोज दैट अभी 150 डिग्री बन गया, तो 180 से ऊपर चला गया, 180 से ऊपर चला गया, तो ये नीचे वाला जो एंगल बनेगा ना वो कितना बनेगा, 175 डिग्री बनेगा। ये 185 है तो 360 में से अगर 185 को घटा देंगे तो 175 बनेगा कि नहीं बनेगा, यानी कि अगर 180 से ऊपर चले जाएंगे तो वो बड़ा एंगल बन जाता है और 180 से अगर नीचे रहेंगे तो छोटा एंगल। और 180 अभी सपोज इस कैलकुलेशन के बाद अगर आपका आंसर 180 आता है फिर तो कोई टेंशन नहीं है, अगर आपका आंसर 181 आ जाता है देन आपका आंसर आएगा 179, बिकॉज क्योंकि भैया 181 180 से ऊपर होता है। बात क्लियर हो गई कि नहीं हो गई, जब 180 से ऊपर जब भी आप लोग जाएंगे तो आप समझ जाना कि वो बड़ा एंगल है, इस कंडीशन में क्या करेंगे 360 में से इसको घटा देंगे। बात क्लियर हो गई कि नहीं हो गई, ओके, यहां तक ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। तो यहां पर आंसर कितना आया, 27 सही 1/2 डिग्री, क्लियर है, ओके। अच्छा एक चीज मैं आपको और क्लियर कर देता हूं कि आप थोड़ा ध्यान से समझ, डायरेक्ट भी हो सकता है कैसे बेटे, 12:05 हो रहा है बेटे, बहुत ही कॉमन सी बात बेटे, जब भी आप लोग घड़ी देखते होंगे डिजिटल घड़ी, तो आपने उसमें 1 मिनट देखा होगा, 2 मिनट देखा होगा, 10 मिनट देखा होगा, 20 मिनट देखा होगा, 55 मिनट देखा होगा, 57 भी देखा होगा, 58 भी देखा होगा, 59 भी देखा होगा, लेकिन कभी 60 मिनट देखा क्या, बोलो, नहीं देखा, क्योंकि 59 के बाद डायरेक्ट क्या वो दिखाता है, जीरो दिखाता है, क्या दिखाता है, जीरो, क्योंकि 12 पर पहुंचकर डायरेक्ट मिनट क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है, तो 12 का मतलब हम सीधा सीधा जीरो रखेंगे, ये चीज ध्यान रखना ऑलवेज, आगे और भी हम क्वेश्चन करेंगे हम डायरेक्ट जीरो रखेंगे, आप ध्यान से देखना, ये तो ऑलरेडी मिनट है ही, डिफरेंस 5, लेकिन हमें पता है माइनस का है, माइनस लिखेंगे नहीं, अब मिनट का अलग कितना होगा, 2.5, क्या करेंगे, जोड़ेंगे घटाएंगे, घटाएंगे क्योंकि डिफरेंस माइनस में आया, तो कितना आ जाएगा भैया, सीधा सीधा 27 सही 1/2। अब ये तो 180 से ऊपर है ही नहीं, देखो डायरेक्ट वही आंसर आ गया कि नहीं आ गया, ऐसे भी इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं 12 वाले क्वेश्चन को, यहां पर आवर है 12:05, ठीक है। और क्वेश्चन रखता हूं मैं, तो आप देख पा रहे होंगे इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन को क्या है बेटा, 10 से 5 सेकंड के बीच में बड़े इजीली सॉल्व कर लेंगे, बड़े ही इजीली तरीके से, है ना। एक क्वेश्चन और रखता हूं, आप लोग खुद करने की कोशिश करेंगे बेटा, क्वेश्चन है 8:15 करेंगे सॉल्व, किया देखेंगे 8 का मतलब क्या हो जाएगा बेटा, 40, क्या हो जाएगा 40, इधर क्या हो जाएगा बेटा 15, बेटे दोनों में डिफरेंस 25 का होगा, कितने का होगा 25 का होगा, इनटू 6 कर देंगे बेटे कितना हो जाएगा 150 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 150 हो जाएगा, है ना, 25 का इनटू 6 करते 150 होता है, ओके। इसका आधा कितना होगा भैया 7.5, क्या होगा, जुड़ेगा भी घटेगा भैया, डिफरेंस प्लस में है तो प्लस ही होगा, सीधी सी बात है, कितना आएगा भैया 180 से ऊपर तो गया नहीं, तो 360 में से हम इसको नहीं घटाएंगे, क्लियर बात है कि नहीं, ठीक है। आगे और देखेंगे, क्वेश्चन कह रहा है 10:10
क्या करेंगे भैया, 10 का आप करो 50, इधर 10 ऑलरेडी है ही, कितना डिफरेंस बेटा 40 इंटू 6 कर देंगे तो कितना आ जाएगा 240, है ना। क्या करेंगे ब्रेड का आता भैया, यहां पर जुड़ेगा क्यों भैया, सीधी सी बात आप जानते हैं, तो प्लस में आया तो 5 और जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा 245। अब 245 आ गया, 180 से ऊपर हो गया भैया, तो 180 से ऊपर हो गया तो क्या कर देंगे 360 में से इसको घटा देंगे, 360 में से इसको घटा देंगे, इतना तो आप लोग खुद कर लेंगे ना, तो कितना बचेगा भैया 115 डिग्री। बात क्लियर है क्या नहीं? अरे क्लियर है, ठीक, बहुत अच्छी। चलो अब थोड़ा सा और आगे की तरफ लेके चलता हूं। जैसे क्वेश्चन है 3:15, तो देखेंगे भैया यहां भी 15 और यहां भी 15 और अंतर 0, ऐसी कंडीशन में बच्चे अधिकतर क्या कर देते हैं 0 डिग्री टिक कर देते हैं, तो ये गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि देखते हैं भैया यहां भी 15 यहां भी 15 डिफरेंस 0 आया था, देखते सब आप 3 बन रहे हैं तो यहां एक दूसरे के ऊपर है तो 0 डिग्री बनेंगे, ऐसा नहीं बनेगा भैया। क्यों? क्योंकि आपको पता है सब आप 3 बज रहे होंगे तो हावर हैंड 3 से थोड़ा सा नीचे आ जाएगा। अब इस कैलकुलेशन के हिसाब से समझेंगे भैया डिफरेंस कितना हुआ 0, अगर गुणा में या 6 का कर दो तब भी बेटा 0 ही रहेगा, लेकिन यहां पर क्या है कि मिनट का आधा 7.5, क्योंकि यहां माइनस में तो आंसर आया नहीं, यहां डिफरेंस माइनस में तो आया नहीं तो प्लस ही बना रहेगा, तो कितना आएगा भैया 7/1/2 डिग्री। ऐसे ही 6:30 बेटे 30 और 30 यहां भी डिफरेंस भी यहां 0, गुणा 6 कर देंगे तब भी बेटा 0, लेकिन मिनट का आधा तो जोड़ेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा 15। एक और देखेंगे 8:40 बेटे यहां भी 40 और यहां भी 40 डिफरेंस 0, गुणा 6 कर देंगे तब भी 0, लेकिन मिनट का आधा तो जोड़ेंगे तो आंसर 20 डिग्री। दरअसल मैं आपको यहां पर यह समझाना चाह रहा हूं बेटा कि ऐसे क्वेश्चन जिनमें दोनों तरफ अंतर कैसा हो, दोनों का अंतर कैसा हो बेटा 0, यानी कि दोनों तरफ कैसा मिनट सेम निकल रहा हो तो अंतर कैसा आएगा 0, जब अंतर 0 आए बेटा तो डायरेक्ट मिनट का आधा ही आंसर होता है, डायरेक्ट मिनट का आधा ही आंसर होता है, सीधी सी बात है। जब दोनों तरफ मिनट सेम हो, जब मिनट सेम होगी तो जैसी बात है अंतर 0 ही होगा, जब अंतर 0 हो या दोनों तरफ मिनट सेम हो तो ऐसी कंडीशन में आंसर कैसा आता है मिनट का ठीक आता। जैसे सपोज क्वेश्चन है 9:45 तो बेटा पता है इधर भी 45 इधर भी 45 तो करने की जरूरत ही नहीं है, सीधा सीधा आप कर देंगे 22/1/2 डिग्री, यही तरीका है क्वेश्चन सॉल्व करने का, लेकिन कब? जब अंतर दोनों तरफ से 0 निकले तब, ठीक है। जैसे 11:55 तो यहां भी अंतर कैसा निकलेगा 0 निकलेगा, क्या आएगा 27/1/2 डिग्री, सीधा सीधा समझने लगे कि नहीं समझने लगे। जैसे क्वेश्चन में 5:25 क्या अंतर आएगा 12.5 है, सीधी सी बात है ना, 4:20 10 डिग्री निकलेगा सीधा सीधा, 2:10 कितना निकलेगा 5 डिग्री निकलेगा सीधा सा, है ना, 1:01 कितना 1 डिग्री, आधा डिग्री ना, 1:01 आधा डिग्री ना, देखेंगे गलत हो जाएगा वो कैसे समझे, मैंने बोला 1:01 तो बेटे ये तो 5 है ना, क्योंकि ये हावर हैंड है, ये मिनट है, मिनट में चेंज करेंगे तो ये तो 5 बन जाएगा, एक का मतलब 5 मिनट होता है, इधर 1 अंतर 0 कहां होगा, थोड़ा ध्यान से देखो ना, जब अंतर 0 हो उस कंडीशन में होगा ये अप्लाई, है ना, तो बेटा कितना आ जाएगा 4, गुणा कितने का कर देंगे बेटे 6 का, है ना, कितने कर देंगे 6 का, तो कितना हो जाएगा भैया
24। अब इसके बाद मिनट का आधा, मिनट का आधा लिखा हुआ 0.5 या जोड़ेगा कि प्लस में आएगा तो कितना आएगा 24 से 1/2 डिग्री, ये आंसर है। अरे क्लियर हो गया ना भैया बात? तो मैं समझता हूं आपके सामने कोई भी एंगल पूछा जाएगा, कोई भी एंगल पूछा जाएगा आप लोग बड़े ही इजीली आंसर निकाल देंगे, है ना। एक क्वेश्चन और रखता हूं मैं, ये ध्यान रखना, ये जो ट्रिक मैंने आपको बताई मिनट की आधी वाली, सीधा सीधा कब जब डिफरेंस जीरो होगा तब फॉलो करेंगे हम लोग। जैसे एक क्वेश्चन और है बेटा, 12:01, तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया 12:60 नहीं क्या जीरो, ध्यान रखना इस चीज का। इधर एक डिफरेंस 1/6 आंसर 6, लेकिन डिफरेंस माइनस का आएगा इसलिए हम लोग क्या कर देंगे माइनस कर देंगे, मिनट का आधा 0.5 हो जाएगा तो आंसर कितना आएगा 5/1/2 डिग्री। अरे क्लियर है ना, क्लियर है ना, ओके। तो मैं समझता हूं आपको बहुत ही इजी तरीके से एंगल निकालना समझ में आ गया। अगर कोई भी क्वेश्चन आपके सामने एग्जाम में आएगा तो आप बड़ी ही इजी तरीके से एंगल निकाल लेंगे, ठीक है भैया। इसके बाद अब बात हम करेंगे, अभी क्या कर रहे थे हम समय से एंगल निकाल रहे थे, आपके सामने कुछ समय दिया हुआ था वहां से हम लोग क्या कर रहे थे एंगल निकाल रहे थे, ओके। नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि एंगल से समय कैसे निकाला जाएगा, यानी कि आपके सामने एंगल दे देगा और समय निकाल, ठीक उल्टा होगा, ठीक है भैया, ओके। इस वीडियो में इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।